अब रात में बहुत ठंड होने लगी है। हाँ, लगता है हमें और लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। रहम कर, ये क्या हो रहा है? इतनी जल्दी सूरज निकल आया? क्या ये स्वर्गदूत हैं? डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी सुना रहा हूँ जिससे सब लोगों को बेहद खुशी मिलेगी, क्योंकि आज दाविद के शहर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करने वाले का जन्म हो चुका है। यही मसीह प्रभु है। उसे पहचानने की तुम्हारे लिए ये निशानी है। तुम एक शिशु को कपड़े की पट्टियों में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे परमेश्वर खुश। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे परमेश्वर खुश है। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे परमेश्वर खुश है। आओ भाइयों, हम फौरन बेथलहम चलकर देखें कि वहां ऐसी क्या घटना घटी है। सुबह बस होने ही वाली है, जल्दी से भेड़ों को इकट्ठा करो और चलो। सलाम दोस्तों, मेरा नाम मिसापर है। ये नौजवान चरवाहा मैं ही हूं, 40 साल बाद। जी हां, मैं भी वहां मौजूद था जब स्वर्गदूतों ने मसीहा के जन्म के बारे में घोषणा की थी। आगे चलकर मैं यीशु का चेला बना और फिर यरूशलेम की मंडली में निगरान के तौर पर सेवा करने लगा। आप शायद सोचें कि अपनी आंखों से इतने सारे स्वर्गदूतों को यीशु के जन्म की घोषणा करते देखने के बाद मेरा विश्वास बहुत मजबूत हो गया होगा। लेकिन सच तो यह है कि पिछले 40 सालों के दौरान मुझे अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए खुद को बार बार ये यकीन दिलाना पड़ा कि मैं विश्वास में क्यों हूं। मैं कैसे मान लूं कि यीशु ही मसीहा है? मैं कैसे यकीन करूं कि मसीहों के पास ही सच्चाई है? यहोवा ये हरगिज नहीं चाहता कि हम आंख मूंद कर उसकी उपासना करें। अगर आप खुद से ये सवाल पूछें कि मैं कैसे यकीन करूं कि यहोवा के साक्ष्यों के पास ही सच्चाई है, तो आपका विश्वास भी मजबूत होगा। समय के गुजरते हो सकता है जिंदगी की चिंताओं की वजह से हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगे। वक्त गुजरते हो सकता है हमारा जोश कम होने लगे और हमारी उपासना एक ढर्रा बन जाए। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। चलिए मैं आपको इस बारे में बताता हूं। नन्हे यीशु को अपनी आंखों से देखना मेरे लिए सम्मान की बात थी, लेकिन वो तो सिर्फ एक बच्चा ही था, बिल्कुल बेबस और लाचार। वो दूसरे नए जन्मे बच्चों से अलग नहीं था। जैसे जैसे हफ्ते महीने बीतने लगे, मैं खुद से पूछने लगा, क्या ये प्यारा सा खूबसूरत बच्चा वाकई वादा किया गया मसीहा हो सकता है? ये समझाना मुश्किल है, लेकिन वक्त के चलते मैंने उस चमत्कार के बारे में सोचना ही छोड़ दिया जो मैंने एक चरवाहे के नाते उस रात अपनी आंखों से देखा था जब स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया था। यीशु जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो एक अच्छे स्वभाव का और सेहतमंद लड़का था। कई मामलों में वो बाकी लड़कों जैसा ही था। ये रहा यीशु करीब 7 साल का, अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए। क्या बता सकते हैं इनमें से यीशु कौन है? नहीं ना। हालांकि स्वर्गदूतों को उसके जन्म की घोषणा किए 7 साल बीत चुके थे, लेकिन अब तक मसीहा के आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे।
वो बच्चा बढ़ता और बलवंत होता गया, वो बुद्धिमान होता गया। ये बात साफ थी कि परमेश्वर की आशीष उस पर थी। उसने अपने पिता यूसुफ से बड़ाई का काम सीखा। 12 साल बीत गए, ये काफी लंबा समय था, लेकिन अब भी मैं परमेश्वर की पवित्र शक्ति को यीशु पर काम करते हुए नहीं देख पा रहा था, ठीक जैसे वो पुराने जमाने के भविष्यवक्ताओं पर काम करती थी, जैसे मूसा और एलिया। इस वजह से मैं फिर से शक करने लगा। लेकिन एक दिन मैंने यहोवा से गुहार लगाई कि वो मुझे और विश्वास दे, और उसने मुझे पुरानी बातें याद दिलाई। हाँ, मुझे वो बात याद आई जो 12 साल पहले स्वर्गदूतों ने हमारी आंखों के सामने कही थी। मुझे यह भी याद आया कि किस तरह यीशु के जन्म से जुड़ी कुछ भविष्यवाणियां उस पर बिल्कुल सही तरह से पूरी हुई थी। अब मेरे पास शक करने की कोई वजह ही नहीं बची थी। ऐसे ढेरों सबूत थे जो साबित करते थे कि यीशु ही वादा किया गया मसीहा है। मुझे बस इंतजार करना था। जी हाँ, यहोवा के ठहराए वक्त का इंतजार करना था। फिर जब मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, तब कुछ हुआ। चलिए मैं आपको इस बारे में बताता हूं। कलू, पिछले 1 घंटे से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। माफी चाहता हूँ मुखिया, इंतजार करने के लिए शुक्रिया। मैं आज की चर्चा किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। और हमारे बरखुरदार की क्या हालचाल है? बस पूछो मत, सिर्फ 12 साल का है, लेकिन ऐसी समझदारी की बातें करता है कि सुनकर होश उड़ जाते हैं। होश उड़ जाते हैं? इसकी बातें और सवाल सुनकर तो दिन में तारे नजर आने लगते हैं। बेटा यीशु, यहाँ बैठो हमारे बीच में, ताकि हम सब तुम्हें सुन सकें। मैं तो आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। दुएल भाई मुझे मसीहा के बारे में कुछ भविष्यवाणियाँ पढ़कर सुना रहे थे। क्या मैं मसीहा के आने के बारे में आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बरखुरदार, क्या तुम सच में शास्त्र की इन गहरी बातों के बारे में जानना चाहते हो? ये भविष्यवाणियाँ तो बहुत ही पेचीदा हैं, और इनके मतलब को लेकर अभी काफ़ी बहस चल रही है। वैसे तुम क्या जानना चाहते हो मसीहा के आने के बारे में? एक तो ये कि मसीहा के बारे में परमेश्वर का मकसद क्या है। ये तो बहुत ही आसान है। मेरे हाथ में यशायाह नबी का खर्रा है। यहाँ लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगति पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। बिल्कुल, ये तो साफ है कि मसीहा परमेश्वर के लोगों पर राज करेगा। वो हमें रोम के जुल्मों से छुड़ाएगा, दाविद की राजगद्दी फिर से बहाल करेगा और हमेशा की शांति लाएगा। क्या मैं ये खर्रा देख सकता हूँ? कितनी बढ़िया बात लिखी है ना? मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जहाँ लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, अनंत काल का पिता, अनंत काल का राजकुमार। लेकिन मेरे मन में एक और सवाल है, अगर मसीहा हमें छुड़ाने और हम पर हमेशा के लिए राज करने आएगा, तो फिर यहाँ यशाया क्यों कहता है कि वो इसराइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान होगा, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा? और क्या यशाया ने नहीं कहा था कि मसीहा को जीवतों के बीच में से निकाल दिया जाएगा, उसे कुचला जाएगा और उसे अपराधियों के संग गिना जाएगा? इन सब का क्या मतलब है? यीशु उस वक्त सिर्फ 12 साल का था। उसके माता पिता दस्तूर के मुताबिक हर साल फसा के त्योहार के लिए यरूशलेम जाते थे। इस त्योहार के दिन पूरे होने के बाद जब यूसुफ और मरियम लौट रहे थे, तो यीशु पीछे यरूशलेम में ही रह गया। मगर उसके माता पिता को पता नहीं चला। उन्हें लगा कि वो दूसरे मुसाफिरों के साथ होगा, इसलिए उन्होंने एक दिन का सफर तय कर लिया। मगर बाद में वे उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे, लेकिन जब वो नहीं मिला तो यूसुफ और मरियम उसकी तलाश करते करते वापस यरूशलेम आ गए। फिर 3 दिन बाद उन्होंने उसे मंदिर में पाया,
जहां वो शिक्षकों के बीच बैठा उनकी सुन रहा था और उनसे सवाल कर रहा था। जितने लोग उसकी सुन रहे थे वे सभी उसकी समझ और उसके जवाबों से रह रहकर दंग हो रहे थे। यीशु का दिमाग सिद्ध था, उसे वो सब बातें याद थीं जो उसे बचपन से ही उसके माता पिता ने यहोवा परमेश्वर और उसके सेवकों के इतिहास के बारे में बताई थीं। इस छोटी सी उम्र में भी यीशु शास्त्र की अच्छी समझ रखता था। उसे देखकर हमें समझ जाना चाहिए था कि यह कोई मामूली लड़का नहीं है। लड़के ने सवाल तो बड़ा अच्छा किया है। चलो कलूब, दुवेल, बताओ, जवाब दो। देखो बेटे, ये ऐसी गुत्थियां हैं जिन्हें सिर्फ परमेश्वर ही सुलझा सकता है। और हाँ, इस बात को याद रखो कि कुछ भविष्यवाणियों का लाक्षणिक मतलब भी होता है। मेरे सवालों का बुरा मत मानिए, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मसीहा एक असल शख्स है और इसका कोई लाक्षणिक मतलब नहीं है? भाइयों, लड़के के सवाल तो बिल्कुल जायज हैं। बेटे यीशु, इस बारे में तुम क्या सोचते हो? मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि मसीहा एक असल शख्स है, लेकिन क्या उसका मकसद, उसकी जिंदगी और उसके काम वैसे ही होंगे जैसे कि लोग उम्मीद करते हैं? पर मैं ये भी जानता हूँ कि आखिर में सभी राष्ट्र के लोग मसीहा के जरिए आशीषें पाएंगे। मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और उस दिन को देखने की बस उम्मीद ही कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, मसीहा आखिर कब आएगा? मेरे आदरणीय शिक्षकों, मैंने सीखा है कि समयों और ठहराए हुए दिनों को तय करना यहोवा ने अपने ही अधिकार में रखा है, लेकिन तब तक मैं अपने सृष्टिकर्ता की आज्ञा मानकर उसके और भी करीब आने के लिए मेहनत करता रहूंगा। आज तक किसी भी छोटे लड़के ने ऐसी बुद्धि भरी बातें नहीं की। ये नासरत का सभाघर है। इसराइल और दूसरे देशों में ऐसे कई सभाघर हैं। यहां इकट्ठा होकर शास्त्रों से आयतें पढ़ना, प्रार्थना करना और परमेश्वर की स्तुति करना यहूदियों का दस्तूर है। कुछ सभाघरों में इस तरह का संदूक होता है जिसमें पवित्र शास्त्र के खर्रे रखे होते हैं। हर सप्त के दिन नासरत के सभाघर में आकर पढ़ना यीशु का दस्तूर था। शायद यहीं इसी सभाघर में यीशु ने पहली बार परमेश्वर के प्रेरित वचन से पढ़ा था। मैं जवान यीशु को इस सभाघर में आकर पवित्र शास्त्र की बातों को जांचते और उन पर मनन करते कल्पना कर सकता हूं। छोटा होने के बावजूद यीशु की याददाश्त बहुत ही तेज थी, तो जरा सोचिए उसने कितनी सारी बातें सीखी होंगी। मैं अपने मन की आंखों से करीब 13-14 साल के यीशु को सभाघर के शिक्षकों के सामने खड़े होकर शास्त्र से पढ़ते हुए भी देख सकता हूं। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दें, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। कई साल बीत गए। यीशु अब बड़ा हो चुका था। लोग उसे एक बढ़ई और यूसुफ के बेटे के तौर पर जानते थे। वो एक कुशल कारीगर था और मेहनती भी था। उसका स्वभाव बहुत ही प्यारा था।
उसमें कमाल की बुद्धि थी, लेकिन अब तक किसी ने भी उसके इस गुण पर ध्यान नहीं दिया था। अब तक यीशु ने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया था और न ही वो खुद किसी रबी स्कूल का शिष्य बना था। लोग उससे अनजान थे, उसने कोई चमत्कार भी नहीं किया था। अब तक ऐसी कोई बात नहीं घटी थी जो उसके मसीहा होने की तरफ इशारा करती थी। लेकिन एक दिन जब यरदन नदी में उसका बपतिस्मा हुआ तो एक हैरत अंगेज घटना घटी। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तभी आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की पवित्र शक्ति को एक कबूतर के आकार में उस पर उतरते देखा और स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्यारा बेटा है, मैंने तुझे मंजूर किया है। बेशक ये यीशु के मसीहा होने का एक जबरदस्त सबूत था। खुद यहोवा की आवाज जिससे साबित हो गया कि यीशु ही उद्धार करता है। जब मैंने इस बारे में सुना तो इसने मेरी भावनाओं को झंझोड़ कर रख दिया। इससे मेरा विश्वास मजबूत हुआ और मुझे यकीन हो गया कि परमेश्वर ने इसी यीशु को प्रभु और मसीह दोनों ठहराया है। अपने बपतिस्मे के तुरंत बाद यीशु ने गलील और यहूदिया के जिले में प्रचार अभियान शुरू किया। उसकी बुद्धि और चमत्कार की चर्चा पूरे देश में फैल गई और उसके गांव नासरत के लोग उससे बहुत सी उम्मीदें बांधे हुए थे। बपतिस्मे के करीब एक साल बाद वो नासरत आया और यहां आकर उसने एक बहुत ही अहम घोषणा की। ये इसी सभा घर में हुआ जहां वो बचपन से उपासना करता आया था। जरा इस घटना को अपनी आंखों से होते देखिए। यशाया भविष्यवक्ता के खर्रे में लिखा है, यहोवा की पवित्र शक्ति मुझ पर है क्योंकि उसने गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने कैदियों को रिहाई का और अंधों को आंखों की रोशनी पाने का संदेश सुनाने के लिए मुझे भेजा है कि कुचले हुओं को रिहाई देकर आजाद करूं और यहोवा की मंजूरी पाने के वक्त का प्रचार करूं। ये शास्त्र वचन जो तुमने अभी अभी सुना वो आज पूरा हुआ है। ये वाकई एक बहुत ही यादगार पल था। यीशु पूरी नम्रता के साथ बिना कोई दिखावा किए लोगों के सामने ये ऐलान करता है कि खुशखबरी सुनाने और कुचले हुओं को रिहाई देकर आजाद करने के लिए उसका अभिषेक किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि सभाघर के लोग यीशु की बात सुनकर हैरान रह गए थे। लेकिन एक दिक्कत थी, लोगों ने गलत उम्मीदें बांध रखी थी। उन्हें लगा था कि यीशु फौरन उनकी शारीरिक तकलीफें दूर कर देगा। उन्हें लगा था कि अगर यीशु वाकई एक भविष्यवक्ता है तो वो उनके लिए चमत्कार करेगा, क्योंकि वो था तो उन्हीं के गांव का, नासरत का। लेकिन जब यीशु ने उनसे कहा कि वो उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं देगा तो वे उस पर झुंझला उठे। जो भीड़ अभी अभी यीशु की तारीफ के पुल बांध रही थी, अब वही भीड़ उसे मार डालने पर उतारू हो गई। ये कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ये तो एक धोखेबाज है। ये तो एक मामूली बड़ाई है, ये भविष्यवक्ता कैसे हो सकता है? ये तो एक धोखेबाज है, एक बहरूपिया है। इसे सभाघर से बाहर निकालो, इसे टीले पे से नीचे फेंक दो।
आखिर यीशु उस खून की प्यासी भीड़ से कैसे बच निकला? क्या यह कोई चमत्कार था या उसने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके उन्हें चकमा दिया था? कई लोग शायद अब भी उसके मसीहा होने पर सवाल उठा सकते थे या शक कर सकते थे कि क्या उसे वाकई परमेश्वर ने भेजा है। जी हाँ, अगर हम शक को अपने मन में जड़ पकड़ने दें तो हमारे सामने कितने ही सबूत क्यों ना हो, हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। जहां तक मेरी बात है, इन सालों के दौरान मुझे बार बार खुद को याद दिलाना पड़ा कि मैं उन ठोस सबूतों पर मनन करूं जो साबित करती हैं कि यीशु ही मसीहा है। इस तरह मैं अपने विश्वास को मजबूत करता हूं और इस यकीन को मजबूती से थामे रहता हूं कि मेरे पास सच्चाई है और परमेश्वर ने यीशु को प्रभु और मसीहा दोनों ठहराया है। चलिए और खुद अपनी आंखों से इस बात के कुछ और ठोस सबूत देखिए। माफ करना बहनों, क्या आपने यीशु नासरी को कहीं देखा है? मैंने सुना है वो यही कहीं है। तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? क्या तुम उसकी शिष्य हो या उसकी दासी हो? देखो बहन, जहाँ तक मैंने सुना है उसके आसपास इतनी भीड़ होती है कि उससे मिलना तो दूर तुम उसके नजदीक भी नहीं पहुँच पाओगी। रुको बहनों, पड़ोसियों के लिए तुम्हारा प्यार कहाँ गया? इनकी बात का बुरा मत मानना। हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? आओ यहाँ बैठो। शुक्रिया, मेरा प्रभु यीशु से मिलना बहुत जरूरी है। अब ये तो पता नहीं वो कोई प्रभु वभु है भी या नहीं, लेकिन उसके यहाँ आसपास होने की मैंने कोई खबर नहीं सुनी है। क्या तुम उसकी रिश्तेदार हो? नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वो बीमारों को ठीक करता है और मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे पिछले 12 साल से खून बहने की बीमारी है और कोई भी मुझे ठीक नहीं कर पाया है। वैद्यों से इलाज करवा करवा कर मैं थक गई हूँ। इस बीमारी का इलाज कराते कराते मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे कोई आराम नहीं मिला, उल्टा मेरी हालत पहले से ज्यादा बिगड़ गई है। लेकिन जब मैंने यीशु और उसके चमत्कारों के बारे में सुना तो मैं समझ गई कि वो जरूर परमेश्वर का बंदा है। मुझे उसकी शक्ति पर पूरा भरोसा है, वो मुझे ठीक कर सकता है। अगर मैं उसके कपड़े की झालर को ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, नहीं तो मैं पक्का मर जाऊंगी। गुरु, मैं फिर से विनती करता हूँ, मेरी बच्ची की हालत बहुत खराब है, मेहरबानी कर और मेरे साथ चल और उस पर अपना हाथ रख ताकि वो अच्छी हो जाए। मेहरबानी करके मेरे घर चल। यीशु, ये याईर है, ये सभा करने का अधिकारी है, ये तुझसे मदद की भीख मांग रहा है। याईर, कहाँ है तेरी बेटी? मुझे उसके पास ले चल। वो मेरी इकलौती बेटी है, वो सिर्फ 12 साल की है, वो मर रही है, मेहरबानी करके जल्दी आ। मैं जरूर चलूंगा, मुझे ले चल। मेरे कपड़ों को किसने छुआ? मुझे किसने छुआ? मैंने तो नहीं प्रभु। पत्रस, याकूब, क्या तुम में से किसी ने मुझे छुआ? नहीं प्रभु। यीशु, तू देख रहा है कि भीड़ तुझे कैसे दबाए जा रही है, फिर भी तू कह रहा है मुझे किसने छुआ? किसी ने मुझे छुआ है, मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर से शक्ति बाहर निकली है। बहन, क्या तूने प्रभु को छुआ? मुझसे गलती हो गई प्रभु, मुझे माफ कर, मैंने ही तुझे छुआ था। मैंने तो सिर्फ तेरे कपड़े के झालर को छुआ।
घबरा मत, तूने कुछ गलत नहीं किया। मुझे बता, तूने मेरे कपड़े को क्यों छुआ? मेरे प्रभु, पिछले 12 साल से मैं बहुत बीमार हूँ। बहुत से वैद्यों ने मेरा इलाज किया। मैंने अपना सारा पैसा अपने इलाज में लगा दिया, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि मेरी हालत और बिगड़ गई। मैंने तेरे बारे में सुना है, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। मैं जानती थी कि अगर मैं तेरे कपड़े की झालर को ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। मुझे माफ कर दे, मैं बस ठीक होना चाहती थी। हिम्मत रख बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है। तंदुरुस्त रह और ये दर्दनाक बीमारी तुझे फिर कभी ना हो। याईर, याईर, तेरी बेटी मर चुकी है। मेरे साथ घर चल, अब गुरु को क्यों परेशान करे। याईर, तेरी बेटी के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ। मत डर, बस विश्वास रख और वो बच जाएगी। मुझे उसके पास ले चल। रोना बंद करो, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। कृपया घर से थोड़ा हट जाइए। याईर, ध्यान रहे कि लोग बाहर ही रहें। तू अपनी पत्नी को लेकर मेरे साथ अंदर आ। पत्रस, याकूब, यूहन्ना, तुम लोग भी अंदर आओ। लेकिन प्रभु, वो मर चुकी है। मेरी आप लोगों से विनती है कि आप जरा बाहर जाएं। बच्ची, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। गुरु, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी इकलौती बेटी मुझे वापस मिल गई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। याईर, ध्यान रहे कि ये बात किसी को भी पता ना चले। किसी को मत बताना कि लड़की वाकई मर गई थी और फिर से जिंदा हो चुकी है। लड़की को भूख लगी है, उसे कुछ खाने को दो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अच्छा, क्या बात है? क्या तुम पेट से हो? नहीं नहीं, ये जो पिछले हफ्ते हुआ था ना, उसे लेकर है। याईर के घर में जो हुआ वो? हाँ, और उस बीमार औरत को लेकर भी। अब ये मत कहना कि वे चमत्कार सच में हुए। मुझे तो लगता है कि वो हाथ की सफाई थी। तुम तो बात बात पर शक करती हो। मुझे न सिर्फ इन चमत्कारों पर विश्वास है,
बल्कि पिछली रात मैंने और मेरे पति ने यीशु का चेला बनने का फैसला भी कर लिया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम उस पंत से जुड़ने जा रही हो? तुम्हें उन चमत्कारों पर इतना विश्वास कैसे हो गया? सोचो तो जरा, तुम्हें कैसे मालूम है कि वो औरत सच में बीमार थी? उसने कहा और तुमने मान लिया। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वो ठीक हो गई? और अगर वो ठीक हो भी गई, तो क्या ये किसी चमत्कार से हुआ? वो औरत वाकई बीमार लग रही थी। मुझे यकीन है वो ढोंग नहीं कर रही थी। और याइर की बेटी, वो तो मर चुकी थी, सच में मर चुकी थी, और यीशु ने उसे जिंदा किया। मुझे पता था तुम ये बात जरूर छेड़ोगी। याद है मैं भी वहां थी। मैंने खुद देखा कि यीशु ने सबको बाहर जाने के लिए कहा। वो सिर्फ अपने 3 दोस्तों और लड़की के माँ बाप के साथ अंदर गया। किसे पता उस कमरे में क्या हुआ? हाँ, और यीशु के घर आने के पहले तक तो वो लड़की जिंदा ही थी। किसे पता कि वो सच में मरी भी थी या नहीं? वही तो, यीशु ने खुद कहा था कि लड़की मरी नहीं है। मैंने अपने कानों से उसे कहते सुना था, रोना बंद करो, लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। सो रही है तो बताओ, क्या वो मर चुकी थी या सो रही थी? तुम में विश्वास ही नहीं है। याद है पिछले साल शीलो से एक आदमी आया था जो खुद को भविष्यवक्ता बता रहा था। उसके भी चमत्कार की अफवाहें सब जगह फैली थी, लेकिन सच्चाई आ गई ना सामने। वो एक बह रुपया निकला। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो औरत सच में बीमार थी और यीशु ने उसे ठीक किया था। मैं ये भी जानती हूँ कि याइर की बेटी बीमार थी। भला कोई क्यों उसके मरने के बारे में झूठ बोलेगा? और मैंने उसे अपनी आंखों से जिंदा देखा। यीशु पर विश्वास करने के लिए ये सबूत मेरे परिवार के लिए काफी हैं। हमने ठान लिया है, हम उसकी बताई राह पर जरूर चलेंगे। शक, शक, शक। क्या आपने देखा कि शक कैसे एक इंसान के विश्वास को कमजोर कर सकता है? तो जब हमें शक होता है तो क्या हम उसे नजरअंदाज कर दें, ना सोचे उस बारे में? इनमें से 2 स्त्रियों में विश्वास की कमी थी। वे हर चीज में नुक्स निकाल रही थी, लेकिन एक स्त्री का नजरिया परमेश्वर के जैसा था। सही फैसले पर पहुंचने के लिए उसने काफी सबूतों पर गौर किया। उसने अपने सवालों को नजरअंदाज करने या उनके बारे में सोचना बंद करने के बजाय उन बातों पर मनन किया जो वो पहले से जानती थी। उसने खुले दिमाग से सभी सबूतों पर गौर किया, और तो और उसने ये फैसला किया कि इस बारे में और ज्यादा जानने और सीखने के लिए वो मसीहा के पीछे हो लेगी। तो जब आपको किसी बात पर शक हो तो उसे दूर कीजिए। मुझे क्यों यकीन है कि यीशु ही मसीहा है? मैं यीशु की जिंदगी से जुड़ी हर घटना को याद करने की कोशिश करता हूं। मैं उस दिन को याद करता हूं जब 40 साल पहले मैंने स्वर्गदूतों को यीशु के जन्म की घोषणा करते सुना था। मैं वो दिन याद करता हूं जब मैं बेतलहम गया था और वहां मरियम और यूसुफ से मिला था, और जब मैंने खुद अपनी आंखों से नन्हे यीशु को देखा था। मैं उस किस्से को याद करता हूं जब 12 साल का यीशु मंदिर में था। मैं यीशु के जरिए किए उन बड़े बड़े चमत्कारों पर मनन करता हूं जो साबित करते हैं कि वही मसीहा है, और मैं यहोवा से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे उन सभी भविष्यवाणियों को याद रखने में मदद दे जो यीशु के मामले में पूरे हुए। मुझे पक्का यकीन है कि परमेश्वर ने यीशु को प्रभु और मसीह ठहराया है। लेकिन मेरी कहानी